जय माता दी। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप नवरात्रि के 9 दिन में कौन से वो 9 रंग पहने और उस कौन से 9 रंग की मैंने जो है साड़ियाँ ड्रेप की हुई हैं। तो साड़ी ड्रेपिंग का ये वीडियो है पूरा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी हेयर स्टाइल विथ ज्वेलरी, आप कौन सा रंग पहने, कौन से रंग की साड़ी पहने और किस रंग की साड़ी पहनकर आप जो है माँ की आराधना करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया और आप हैं मेरे चैनल गुड़िया जानवी पे। नवरात्रि के 9 दिन का बहुत ही महत्व होता है। उस दिन आप माँ की आराधना की जाती है, पूजन अर्चन होता है उनका, और अपने जो भी दुख है आपके जीवन में, जो कष्ट है आपके जीवन में, उनके निवारण के लिए हम पूजा करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। तो इस नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, उस 9 दिनों में 9 रंगों का भी बड़ा महत्व होता है। और जब हम उस 9 रंगों को अपने जीवन में शामिल करते हैं और अपने जीवन में शामिल करके जब हम पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन से सारी जो हैं खुशियाँ आने लगती हैं और सारे कष्ट दूर होते हैं, तकलीफें दूर होती हैं, ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। तो आज मैं उन्हीं रंगों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो पीला रंग है, जो पहले दिन आपको पहनना है वो पीला रंग पहनना है। पीला रंग जो होता है खुशहाली का प्रतीक होता है। तो इस साड़ी को मैंने जो ड्रेप किया है पीले रंग की साड़ी, जो मिरर वर्क की साड़ी है, इसमें आप देख सकते हो मेरा जो है गुलाबी रंग का बॉर्डर है। तो इसे मैंने मीशो का जो मैंने ब्लाउज़ मंगाया था मीशो से, उस ब्लाउज़ के साथ इसे ड्रेप किया है। मिरर वर्क का ब्लाउज़ भी है। ज्वेलरी पे मैंने यहाँ पर जो है पहनी हुई है टॉप्स और चोकर सेट अपना डाला हुआ है मैंने। हाथों में मैंने मैचिंग की चूड़ियाँ डाली हैं जो मेरे बॉर्डर से मैच कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट किया इस लुक को। और हेयर बन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है हेयर स्टाइल में, देख सकते हो आप। और मैंने माथे पर एक लगाई है छोटी सी बिंदी। तो इस तरीके से पूरा लुक मैंने कंप्लीट किया है गाइज। अपना जो पीले रंग का है, मैंने पीले रंग की साड़ी को कुछ इस तरीके से ड्रेप किया है कंट्रास्ट ब्लाउज़ के साथ। बिल्कुल ही डिफरेंट ब्लाउज मैंने यहाँ पर ड्रेप किया हुआ है। तो ओवरऑल लुक आप देख सकते हो। उसके बाद जो ग्रीन रंग होता है वो होता है प्रगति का प्रतीक, यानी कि वो उन्नति का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो साटन साड़ी मेरी थी ग्रीन की, ग्रीन वाली, उसे मैंने जो है एजेज सूट बनाया हुआ है अनारकली सूट, तो मैंने उसे ही पहना हुआ है। उसके साथ मैंने येलो कलर की यहाँ पर जो है अपनी जूती पहनी हुई है। और पूरे ओवरऑल लुक में मैंने बिंदी को जो है पूरे आउटफिट में अपना शामिल किया हुआ है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है अपना सिल्क का दुपट्टा ले लिया है जो बिल्कुल कंट्रास्ट है अलग से ही बिल्कुल। तो प्लेन सूट के साथ इस तरीके का दुपट्टा अगर आप मैच करते हो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर ब्राउन कलर का हैंडबैग ले लिया है जो गोल्डन और ब्राउन मिक्स वाला है। मैंने यहाँ पर जो है ज्वेलरी में अपने इयररिंग्स पहने हैं थोड़े से लॉन्ग झुमके टाइप के और ऑक्सीडाइज वाले, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बैंगल डाली हुई है अपनी। उसके बाद मैंने ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए एक जो है बेस बेल्ट लगाई थी जो ये मेरी ब्लाउज़ की ही है, मैंने ब्लाउज के कपड़े से ही बनाई हुई थी। तो इस तरीके से इस लुक को मैंने कंप्लीट किया और हेयर स्टाइल मेरी ओपन थी। इसके बाद आता है ग्रे कलर जो दृढ़ता का प्रतीक होता है। इसको मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइल किया है साड़ी, देख सकते हो ग्रे कलर की साड़ी पहनी है। और मैंने उस पर जो है डार्क पिंक कलर का दुपट्टा लिया हुआ है जो अलग से मैंने लिया है दुपट्टा, कुछ इस तरीके से स्टाइल किया है। हेयर बन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और ब्लाउज भी मैंने जो है गुलाबी कलर का ही पहना था। उसके बाद आता है नारंगी रंग। नारंगी रंग सकारात्मकता का प्रतीक होता है और इसे मैंने इस तरीके से जो है अपनी नेट की साड़ी के साथ मैच किया है। इसमें भी मैंने दुपट्टा अलग से ही लिया है, अपने सूट का दुपट्टा मैंने ऑरेंज कलर का ले लिया है। और मैंने हेयर बन यहाँ पर भी बनाया हुआ है और मैंने मैचिंग की बैंगल्स डाली थी और बिंदी और थोड़ी सी ज्वेलरी मैंने जो मैचिंग की ही डाली थी। उसके बाद जो आता है वाइट रंग जो है वो शुभता का प्रतीक होता है। और अगर आप वाइट रंग की साड़ी पहनते हैं और पूजा करते हैं तो बहुत ही आपको शांति मिलती है और आपके जो जीवन में शुभता आती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने साड़ी को ड्रेप किया है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ, और बिंदी को मैंने अपने हर आउटफिट के साथ रखा हुआ है ताकि एक ट्रेडिशनल लुक आपको मिले। उसके बाद मैंने मैचिंग की ही चूड़ियाँ ज्वेलरी डाली है। ब्लाउज़ में मैंने मीशो वाला ही ब्लाउज़ अपना पहना है, उसमें जो है आप देख सकते हो ना मिरर वर्क है और इस साड़ी में भी जो है क्रिस्टल वर्क है, तो बहुत ही अच्छे से मैच कर गया है मेरा। तो कुछ इस तरीके से इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद आता है लाल रंग। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक होता है
और ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो कुछ गुजराती स्टाइल में मैंने इस साड़ी को ड्रेप किया हुआ है, साथ में हेयर बन किया है, मैंने इसे डेकोरेट किया है गजरे के साथ में, एक मैंने फूल जो है लगाया है जुड़े में, और यहाँ पर मैंने जो है चूड़ियाँ डाली हुई हैं। तो चूड़ियों में मैंने चूड़ा पहना हुआ है जो कत्थई रंग का है, और उसके बाद साथ मैचिंग की ही मैंने ज्वेलरी डाली है, नेक पीस, और कान में जो है झुमके टाइप के झाले हैं उसे मैंने पहने हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से लुक को कंप्लीट किया है, पूरे रेड कलर में देख सकते हो, और स्टाइल भी आप देख सकते हो बिल्कुल थोड़ा सा लहंगे वाला स्टाइल आया है जो गुजराती स्टाइल मैंने पहना है, ड्रेप किया है। तो कुछ इस तरीके से आप भी ड्रेप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने साड़ियों को दिखाया ड्रेप करके, और डिफरेंट हेयर स्टाइल के साथ में और डिफरेंट मेकअप के साथ में। मेकअप क्या है, जिस साड़ी को आप वेयर कर रहे हो उसी साड़ी के अकॉर्डिंग मैंने मेकअप भी यहाँ पर अपना रखा हुआ है। मेकअप मेरा बहुत ही सटल सा है, बहुत ज़्यादा मैंने कोई हाई फाई मेकअप नहीं किया है, तो सिंपल सा ही मेकअप किया है, क्योंकि पूजा लुक है तो पूजा लुक के लिए इतना ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आप मेकअप करें। उसके बाद नीला रंग आता है, नीला रंग होता है अपार शक्ति का, ये अपार शक्ति को दर्शाता है, और आपके जो जीवन में है शक्ति का ही बहुत महत्व होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने गोल्डन ब्लाउज के साथ इसे जो है वेयर किया था, और मैचिंग की मैंने ज्वेलरी डाली हुई थी। उसके बाद गुलाबी रंग आता है, गुलाबी रंग होता है सामाजिकता उत्थान का, तो सामाजिक उत्थान का, और उसके साथ मैंने जो बैंगल मैच किए हैं सेम मैचिंग, और यहाँ पर इयर रिंग देख सकते हो मैंने जो डाली है अपनी, वो मैंने चांद वाली डाली है, और यहाँ पर मैंने चोटी की है, हेयर स्टाइल में मैंने चोटी की है। ब्लाउज को भी मैंने जो है कलर मैच करके ही पहना हुआ है, तो यहाँ पर आप बॉर्डर के साथ मैंने ब्लाउज को मैच किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से इस लुक को कंप्लीट किया है। मेकअप मेरा बहुत सटल सा है, बाकी बिंदी मैंने इंक्लूड की हुई है, बिंदी से आपका पूरा लुक ही ना ओवरऑल लुक पूरा चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आता है बैगनी कलर, बैगनी कलर जो है इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक होता है, ये आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, मतलब आपकी इच्छाओं को पूर्णता देता है अगर आप हाँ बैगनी रंग को अपने जीवन में शामिल करते हैं। इसके साथ मैंने हैवी इयररिंग डाले हुए हैं, नेकलेस में मैंने गोल्डन ही डाला है जो मैच कर रहा है, और क्रिस्टल की मैंने एक माला डाली है। अपने मेकअप को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बोल्ड किया है, आईज को मैंने सेम कलर से मैच किया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, और फॉलो माई इंस्टाग्राम।